तो फाइनली दोस्तों हमारे यहाँ की शादी हो चुकी है और हल्दी थी, वलीमा था, शादी थी, तो दो भाइयों की शादी थी, मतलब मेरे दो साले थे उनकी शादी थी, आदिल और रुबान की। तो एक की बारात देरी गई थी और दूसरे की बारात हिंदुआ गई थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा कार्यक्रम हो चुका है और शादी की और बारात की बहुत ज़्यादा थकान थी। कल रात को हमारा वलीमा भी हो चुका है और माशाल्लाह सारा प्रोग्राम अच्छे से हो चुका है। शादी की जो थकान थी वो अब जाके पूरी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। दो दिन बारात थी और काफ़ी दूर दूर बारात थी, तो माशाल्लाह अच्छे से बारात हो चुकी है और आराम भी कर लिया हमने, अब रिफ्रेश हो गए हैं और मंडे से हम अपना जो वर्क है वो स्टार्ट कर देंगे। और जो हमें जिम जाना है और फरमान को पीटी देना है, काफ़ी दिनों से उसे पीटी भी नहीं दी है, तो अब उसकी पीटी भी मंडे से स्टार्ट करेंगे और अपना भी वर्कआउट स्टार्ट करेंगे और अपने बिजनेस का भी काम स्टार्ट करेंगे। तो आज और रेस्ट करते हैं, कल संडे है, कल सारा ऑफ है, तो कल के दिन भी आराम करेंगे और मंडे से हमारा काम चालू हो जाएगा। तो थोड़ी सी चाय पीते हैं क्योंकि चाय पीने का दिल हो रहा, और मेरी असर की नमाज़ हो चुकी है। अभी हाल असर की नमाज़ मैंने पढ़ के आया हूँ, अब नीचे जा रहा हूँ। सोनू भाजी और कोसर भाई आ गए थे कल वलीमे की दावत में, तो अभी वो हैं, रात में लिख लेंगे। तो नीचे चलते हैं और चाय पियेंगे हम। छोटैया उधर जाके, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या कर लिया, शेर बन गई आया तो। क्या आया था? और हमारे छोटैया भी, सबसे छोटैया हैं ये, एक छोटैया पैर में घुस रहे हैं। और हमारे जीजा श्री आ गए हैं और हमारी बहन भी कल आ गई थी और हमारी नगमा भी आ गई है। और ये नगमा साहब जादे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चुल मचाते हैं ये। तो दोस्तों आज भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और तो दोस्तों पाकिस्तान ऑल आउट हो चुकी है 191 पर, और अब इंडिया की बारी है, इंडिया देखते हैं क्या करते हैं और इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी हमारी। तो दोस्तों भारत को 192 रन बनाना है और इंशाल्लाह जरूर बनाएगी और बहुत इजी में जीत जाएगी। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारी इंडिया टीम जीत चुकी है और बहुत खुशी की बात है, पाकिस्तान को हरा दिया हमारी टीम ने, और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया के नाम पे। बेबी नाम आपका ही है, क्योंकि वो
वो तुम्हारे नाम क्यों बोल रहे थे कि बेबी बेबी बोला बोला बेबी आप मेरा नाम लेते लेते चले चले गए बाप इसी से लोग कुछ भैया मेरे देख बात अरे तो बात तो सुन लो बात तो सुन लो बात की है उनकी वो अच्छा हो गया है वो छुट्टी हो गया है तो हुआ क्या था? हुआ अच्छा ठीक है फिर वो शॉक वॉक दिए होंगे तो धड़कन चालू हो गई होगी वो वहाँ पे जैसा इलाज हुआ क्या मालूम क्या करा मैं तो कहूँ तो मैंने दुआ मांगी और डॉक्टरों ने कह के नॉर्मल नॉर्मल कर दिया अच्छा हो गया नॉर्मल हो गया छुट्टी दे दी घर दे तो दोस्तों हमारी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और शादी की बहुत ज़्यादा थकान थी तो ऐसे हाथ पैर ढीले हो रहे हैं बहुत कमजोरी सी लग रही है और हमारी दानी बेटी आते से ही देखो पढ़ने लग गई हैं वो मतलब अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा केयर करती हैं अब तैयार हो जाओगी जल्दी से फिर अपन चलेंगे वहाँ नानी का दावत है ना दावत में चलेंगे पेपर आनी भी है वहाँ पे नहीं हाँ तो आप यहीं रुक जाओगी क्यों दानियल चलो ठीक है तुम पढ़ाई कर लो तुम्हें हम तो जाएंगे दावत में चलो अपन यहीं रुक जाएंगे अपन दोनों ठीक है ओके हाँ ठीक है आप पढ़ाई कर लो जब तक आपका सिलेबस देख लो आप जब तक तो दोस्तों बहुत मज़ा आया शादी में और बहुत इंजॉय किया हमने आपको कैसी लगी शादी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए क्योंकि मैंने हल्दी का फर्स्ट डे बारात सेकंड डे बारात और वलीमा चारों चीज़ें मैंने कवर की है वीडियो में अपने और आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना तो थोड़ी सी टी पी लेते हैं टी पीने का दिल हो रहा है फिर जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे जोहर की नमाज़ में तो अभी टाइम है बट पहले टी पी लेते हैं जल्दी से फटाफट तो दोस्तों आज के ब्लॉग को हम यहीं करते हैं एंड मिलते हैं नए ब्लॉग में तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए चैनल पर आए हैं तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए तब तक के लिए शब्बा ख्याल।